अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है जी फ्राइडे और आप सब लोग कैसे हैं? अनफा बिल्कुल ठीक है। अनफा की तबीयत का आप लोगों ने बहुत पूछा कि अनफा का बता दें तबीयत ठीक हुई है इसकी, तो शुक्र है इसने दो दिन काफी ज्यादा मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे को काफी ऑक्यूपाइड रखा। बहुत रोती थी, हम लोग खाना भी खाते थे तो रोना शुरू कर देती थी कि मुझे पकड़ लो। तो मैंने फिर इसका ना मतलब फर्स्ट टाइम सर दुबाया, रो रही थी बहुत ज्यादा तो मैंने सर दुबाना शुरू कर दिया प्यार से, और मतलब इसको बड़ा रिलीफ फील किया इसने, मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था। और शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल ठीक है अनफा। और बस ये फ्लू पहले बिलाल को हुआ, उनकी तबीयत काफी मतलब रही डाउन रहे वो, फिर अनफा को और मुझे जो है सर में दर्द है, लेकिन अभी फ्लू की तरफ मैं नहीं गई, बस मौसम इस तरह का है। बाकी ये है कि रात को ना मैं कर रही थी टीमो से शॉपिंग और बिलाल मुझे कहते इतनी सस्ती चीजें हैं टीमो के ऊपर, मतलब इतनी चीजें ऐड कर दी थी। बिलाल को कुछ वायरलेस वो रेडियो ट्रांसमीटर चाहिए था गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी हमारी काफी पुरानी है तो उसमें वो नहीं है, म्यूजिक नहीं है, तो बिलाल को चाहिए था उसके लिए वायरलेस रेडियो ट्रांसमीटर, वो हम लोग ऑर्डर कर रहे थे। कुछ और चीजें भी तो बिलाल कहते हैं अमेजोन से काफी महंगी चीजें आती हैं, डेमो से काफी सस्ती आ रही हैं, मतलब बिल जो है ना वो 14 यूरो का बना था, तो पाकिस्तानी आप काउंट कर लें कि 3-4 हजार का, और भी चीजें ऐड की थी, 5-6 चीजें ऐड कर ली थी। तो जिन लोगों ने अभी तक टेमो ऐप डाउनलोड नहीं की वो लोग इधर से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को लिंक दे रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा और आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा काफी ज्यादा, और इस लिंक पे जाएंगे तो कुछ ऑफर भी मिल जाएगी, तो अच्छी चीज है। आप लोग भी इससे चीजें मंगवा सकते हैं, पाकिस्तान में भी मंगवा सकते हैं, यूरोप में भी मंगवा सकते हैं, कहीं से भी, सऊदीया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, कहीं से भी आप लोग मंगवा सकते हैं। इस बच्चे ने ना मुझे इतना तंग किया ना, इतना तंग किया हुआ ना इसने, बहुत ज्यादा इसको फ्लू हुआ हुआ है और इतनी चिड़चिड़ी हो गई है ना ये, बहुत ज्यादा। और बस हर पहली बार इसको हुआ है, वैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे पहले इसका पता नहीं कि ये कैसे बिहेव करती है। आज तो ना बस कहती है मम्मा मेरे पास रहो और मेरा सर दुबाई जाओ, बस सर दुबाओ तो सुकून रहता है। क्या कर रही हो अनफा? यहाँ पर देखा जाए अनफा ने क्या किया, अभी हम ग्रोसरी करके आए, सामान पड़ा हुआ था, साथ ही मैंने देखा कि दूसरे रूम से मैं आया हूँ तो इसमें टमाटर का ना चूमड़ बना दिया पकड़ के। 2000 years later। सबसे पहले जी आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला व्यू, और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ चाय। तो पहले आप लोग ये व्यू देखें जो रोज देखती हूँ लेकिन नया ही लगता है। ये देखें माशाल्लाह यार, ये जो लेवल है ना ऐसे लगता है जैसे हम किसी ना वो हिल स्टेशन पे आए हुए हैं, बाहर आए हुए हैं कहीं। ये देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार आप लोग सोचते होगे इस मीना ने चिली सॉस पूछना हो हमें बता, हमसे पूछती है, आप सब लोग एलेक्सा हो मेरे जब मुझे कोई सर्च करने का मूड ना हो, या ऑब्वियसली सर्च में ये होता है कि इंसान को फिर प्रॉपर देखना भी पड़ता है कौन सी चीज़ सही है कि नहीं, आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है ना, फिर मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये सही है बेस्ट है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ लेती होती हूँ। सलाम अलैकुम। उस टाइम हमारी ना मॉर्निंग हुआ करती थी और अब ऐसा है कि अब हमारा ना क्या कहते हैं बच्चे को स्कूल लाना छोड़ना जाना और उसको लेके आने का बड़ा ना होगी और रूटीन सेट हो गई हुई है, सुबह सुबह उठते हैं उसके बाद फिर आयत को छोड़ते हैं, उसके बाद अब आयत को पिक करने आए हुए हैं, और जो बाबू है ना वो हमारा आने वाला है अब, उसके हम ना स्कूल के बाहर में आए बैठी हुई गाड़ी लेके, तो मैं गए हैं अंदर उसको लेने के लिए, बाबू आता फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाबू मतलब आयत। और जो मेरा छोटा बेबी है ना वो तो बहुत पारा लग रहा है आज और बड़े गुस्से में रहता है, तुला चोना बेबी देखते हैं आयत आने वाली है बस। ओके जी, सर्दी अभी आई नहीं है, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और फोक देखें कितनी हो गई है, ये देखें ऊंचाई से पता चलता है कितनी फोक हो गई है, दूर दूर से इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अब दुला तो सो चुका है और आयत का वेट हो रहा है, बस आयत आती है, और यहाँ पे आज लंच में हम बनाएंगे मूली के पराठे, क्योंकि मूली ना सर्दियों में बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, उसके बहुत ही मजा आता है दही के साथ, तो आज ये मैं बना रही हूँ लंच में। आप सब क्या बना रहे हैं जी? बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे आपके, तो आप सब क्या बना रहे हैं? सब कैसे हैं? सब लोग खैरियत से हैं? तो मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, तो बताइएगा कैसे हैं आप लोग। और कल की जो स्टोरीज थी ना आप सबने बहुत पसंद की, उमैर का गाना बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत उमैर मेरे फेवरेट हैं, और साथ में किसी ने कहा गाने को बिगाड़ा है, तो अच्छा लगा, सारा फन था हमने किया, मजा आया।
और आप लोगों ने भी इंजॉय किया और आए तो अब्दुल्ला की स्टोरीज भी आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनको कहते हैं माशाल्लाह क्यूट बेबी है, तो वाकई बच्चे तो होते ही क्यूट हैं। और खाने वाली स्टोरी भी आप लोगों ने पसंद की कि कल हमने अपने ससुराल में ना चिकन मसालेदार कहते हैं ना ग्रेवी चिकन वो बनाया हुआ था, तो मैंने आपको बताया, आप सबने मुझे बताया हमारे घर में तो ये पक रहा है ये पक रहा है, इससे ना जरा मजा आ जाता है, बंदे का दिल बहल जाता है कि किसी के घर में क्या पक रहा है क्या पक रहा है, फिर आइडिया मिल जाता है अगले दिन हम भी वही पकाएं। तो बहुत से लोगों ने मुझे बताया है कि हमारे घर में क्या कहते हैं काली दाल पकी हुई है, किसी ने माश की दाल पकाई हुई है, किसी ने बिरयानी पकाई हुई है, किसी ने कुछ पकाया, बहुत कुछ पका। सबसे मेन चीज आज ना मैं एक काम करना है, मैंने पता नहीं मेरा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा क्योंकि जो मेरी हेल्पर है ना वो गई है छुट्टी पे एक दिन के लिए, तो इसीलिए ये मैं घर से ले आई थी कल जब हम घर गए थे ना तो वहां से मैं ले आई थी, आधे मेरी घर की वहां पे वैनिटी पे लगा हुआ है, आधे मैं सोच रही मैं यहाँ पे लगा लू क्योंकि यहाँ पे जो हालत है ना मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना यहाँ पे गंद मचा हुआ है, ये देखें जी आयत की चीजें, मम्मा की चीजें, मम्मा की चूड़ियां, ये सारा बिखरा हुआ है। आप सब कहते होंगे आमना आपकी कितनी गंदी है, गंदी की बात नहीं है, मेरा बच्चा जो है ना वो सारी चीजें ना खराब कर देता है, हर जगह बिखर जाती हैं चीजें, तो मुझे बहुत ज्यादा मसला हो जाता है फिर, तो इसीलिए ना मैंने ना ये वहां पे पड़े हुए थे, मुझे मेरी जो हेल्पर है नूर मैंने उसने मुझे कहा कि आप यहाँ पे ये रख के बैठी हुई है, फजूल में रखे हुए ये अभी इस्तेमाल भी नहीं हुए हुए, तो आप वहां लेके जाके ना इन सारी चीजों को सेट कर दे कि ये देखें यहाँ भी थोड़ा है लेकिन इतना नहीं है, खराब है यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, तो इसीलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे लाके इसको सेट करूंगी, सेक्शन बन जाएंगे आयत का मम्मा का और यहाँ पे मेरा और आयत दोनों का मिक्स करके ही हो जाएगा, एक साइड पे आयत का बना लूंगी, दो साइड पे मेरा बन जाएगा, दो साइड पे आयत का बन जाएगा, इसी तरह हम कर लेंगे फिर तो इजी हो जाएगा। फिर सुबह स्कूल जाना होता है बहुत ही मसला होता है, बहुत ज्यादा मसला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेबी आ गया, मम्मा की जान आ गई स्कूल से है, आज आपको स्टार मिला है, वाओ टीचर ने स्टार दिया है, यहाँ पे ये स्टार मिला है, ये इधर टीचर ने दिया है, क्यों टीचर? अच्छा आपने कहा मुझे स्टार चाहिए। है जी संडे और संडे को ना मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाने लगी हूँ, क्या है कि अब क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो गई है और ये जो पत्ते हैं ना दरख्तों के वो इतने प्यारे तरीके से नीचे गिर रहे हैं और इतना खूबसूरत सा व्यू है, सारे जो है ना वो नीचे आ गए हुए हैं ठीक है, और आज जो है ना पाकिस्तान से हमारा टाइम डिफरेंस 4 आवर्स हो गया है, ये भी देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी मुझे ढेरों ढेर मैसेज आ गए हैं कि आप कौन सा हेयर ट्रीटमेंट करवाती हैं, कौन सा जो है ना ऐसा आप ऐसी चीज करती हैं बालों के ऊपर कि आपके बाल जो है वो माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, तो मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने आज तक बालों के ऊपर मैं कंघी मुश्किल से करती हूँ, तो ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, सिंपल है, मैंने एक शैम्पू जो है वो मेरे बालों को सूट किया हुआ है, आप लोग भी उसको ट्राई कर सकते हैं, अभी भी मैंने ना कंघी भी नहीं की हुई, जो स्टोरी में भी आपने पिक्चर देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये देखे मेरे माशाल्लाह बाल कुछ इस तरह के हैं, कंघी नहीं मैंने की हुई, पता नहीं कहाँ पड़ी है, मुझे मिलती ही नहीं तो मैं करती भी नहीं, तो ऐसे ही ना बस ना मैं जब शैम्पू करती हूँ ना तो हाथों से इनको यूं कर देती हूँ तो खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाते हैं, तो शैम्पू मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, बहुत अच्छा शैम्पू है, आप लोग यहीं से जाके लेंगे, मेरा सीक्रेट शैम्पू है ये, इस लिंक पे जाके आप लोगों ने ले लेना है ठीक है, जो अगली स्टोरी में आप लोगों को मिलेगा ठीक हो गया। तो पहले आप लोग देख लें, आप लोगों ने सिंपली बालों को वॉश ही करना है, मैं आजकल कोई ऑयलिंग नहीं कर रही क्योंकि मेरी सारी जरूरत की चीजें जो है वो पाकिस्तान में रह गई हैं, ऑयल वगैरह भी मैं ऑयलिंग जो है ना इतनी ज्यादा करती नहीं हूँ, तो ये देखें इस तरह से मेरे बाल अभी हैं ठीक है, अलफते से भी ये रियल नहीं मिलता था और जितने भी शॉप्स जहां पे थी ना लाहौर में वहां से मुझे नहीं मिलता था, ये एक ही जगह है जहां से ऑथेंटिकली मुझे पता है कि आप लोगों को ऑथेंटिक मिलेगा, तो उनका लिंक मैं दे रही हूँ, आप लोगों को हाईफाई से मिलता है ये ठीक है। और अब मैं आप लोगों को शैम्पू भी दिखा देती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था खत्म हो गया था, फिर मैंने अब नया लिया है, ये वाला जी शैम्पू है पर्पल कलर का जो मैं यूज करती हूँ अपने बालों के लिए, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू जो कि मुझे एक दो साल से मैं यूज कर रही हूँ, 2 सालों से यूज कर रही हूँ या बिल्कुल, तो आप लोग इस लिंक पे जाके जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं और इस तरह के बाल आपके होंगे, आपने कोई फजूल किस्म का ट्रीटमेंट नहीं करवाना बालों के ऊपर, क्योंकि फजूल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे आपके बाल उसी टाइम तो अच्छे हो जाते हैं लेकिन बाद में टूटना शुरू हो जाते हैं। स्टे अप।
चलें जी, इस टाइम टाइम है चाय का, क्योंकि आज जो है ना मैं एक्टिव फील कर रही थी। मंडे था, नॉर्मली मुझे बड़ी नींद आई होती है, मैं बार बार सो जाती हूँ, मिनट बाद सो जाती हूँ, लैपटॉप उधर रखती हूँ सो जाती हूँ, लेकिन इतनी मुझे अब थकन हो रही है ना बहुत ज़्यादा। तो बस अब चाय पीते हैं, खाना खा लिया, मसर चावल बनाए थे, जल्दी ही खा लेते हैं ऑफिस डेज में, और अब चाय पीते हैं। अच्छा जी, बहुत से लोग जो हैं जो मुझे नया देखना शुरू कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं कोई ऑनलाइन काम करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती कि आप लोग भी पैसे कमा सकें। तो देखिए, मैं कोई ऑनलाइन काम नहीं करती, और दूसरा मुझे कोई ऐसा सोर्स नहीं पता ऑनलाइन काम करने का जो वाकई सच्चा और मैं आप लोगों को बता सकूँ और आप लोगों का नुकसान ना हो, जिससे ऐसा कोई काम मेरे नॉलेज में नहीं है। और अगर कभी हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं कोई ऑनलाइन काम नहीं करती, ना ही मैं आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात शेयर करूंगी जिससे आप लोगों के 500, 200 या 1000 रुपया भी आपका नुकसान हो। इसीलिए तो बस आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी जब वाकई कुछ मुझे ऐसा फ़ायदे वाला लगा। नुकसान वाला काम आपको कभी मेरी तरफ से नहीं पता चलेगा। टाइम जी, मैंने कॉफ़ी बनाई है फटाफट से इस बीटर के साथ, ठीक हो गया। तो आप लोग भी ये बीटर जो है दराज से मंगवा सकते हैं, बहुत बहुत बेस्ट है यार, बहुत ही बेस्ट है। एक स्प्रिंग वाला है, बहुत मज़े का।